हाय दोस्तों, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं मुन्ना कुमार गुड्डू, और आप देख रहे होंगे कि मेरा बाल जो है ख़राब हो रखा है। तो आज मैं हिजामा का दूसरा सेक्शन करवाया हूँ। तो चलिए आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, और इसलिए बाल जो है ना वो हम उसमें कंघी नहीं कर सकते हैं, ऑयल नहीं लगा सकते हैं 5-6 दिन तक। तो इसके पिछले शायद 2-2.5 महीना पहले भी मैं एक हिजामा इस मतलब पहला सेक्शन करवाया था। तो बीच में लॉकडाउन के कारण काफ़ी दिन का गैप हो गया, तो आज दूसरा जाके करवाया हूँ। तो चलिए, आपको इसमें क्या परेशानी हुई, क्या कुछ अच्छा हुआ, इसके बारे में बताता हूँ आपको। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो देखने वाला अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कर देना। तो आज जो है मैं यूनानी हेल्थ केयर गया था दूसरा सेक्शन करवाने के लिए। पहले वीडियो में बता रखा था कि हिजामा करवाने मेरा 1,000 रुपये लगा था, लेकिन मैं कुछ वो मसाज वसाज किए थे इसलिए मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। लेकिन इस बार में मैं 800 रुपये ओनली पे किया हूँ। और हिजामा जो है मैं सिर्फ गंजा होकर के कराया जाता है, सबसे बेटर होता है, लेकिन मैं बाल पे ही करवाया था। तो अबरी जो हिजामा हुआ है उसमें क्या था कि 3 कप ही लगा है, इसके पिछले वाले में भी 3 ही लगा था, लेकिन कप जो है अभी आगे लगवाया था मैं, और एक बीच में तो लगता ही। और पिछले के अपेक्षा अगर माना जाए तो ब्लड जो है अभी कम निकला था, इसके पिछले में ब्लड जो है बहुत ज़्यादा निकला था। और अभी मैं कुछ वीडियो शूट किया हूँ हिजामा होते वक्त, तो चलिए मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ जो हमारे डॉक्टर थे वो जो हमें हिजामा कर रहे थे। तो चलिए आपको वीडियो दिखाता हूँ। और इस बार कपड़े मेरा उतरवा दिया गया है, क्योंकि वो जो गले में वो लगा कपड़े लगाते थे ताकि ब्लड जो है ना सर पर से नीचे कपड़े पे हमारे ना गिरे, तो शायद कोरोना के चक्कर में जो है वो कपड़े यूज नहीं किए हैं, वो कपड़े ही हमारा उतरवा दिए थे। तो चलिए आपको वीडियो दिखाता हूँ, देख लीजिए। हल्के हल्के से स्क्रैचेज लगा दीजिए, ठीक है, ऐसा लगेगा सूज चुभ रही है, चीटी कर रही है, ठीक है। तो सर्वो दिलाएगा सूज रखती है, नहीं मतलब ज़्यादा तकलीफ तो नहीं मेरे कहने का कोई। सही है, अभी भी ज़्यादा ज़्यादा कितना ठीक है, बहुत अच्छा हो गया।
तो वीडियो आप देख लिए। तो इस वाले जो मैं हिजामा करवाया इसके पिछले वाले मुझे फ़ायदा क्या हुआ था कि हमारे सर में डैंड्रफ था, दूसरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हेयर फॉल बहुत कम हो गए थे हमारे, कम क्या ख़त्म हो गए थे। स्नान अगर मैं कर रहा हूँ या बाल का मसाज कर रहा हूँ तो 6-7 बाल अब आ जाते हैं, 6-7 मान लो आप, क्योंकि आप मसाज करते हैं तो ऑब्लिक है, कुछ बाल जो आपके उखड़ने वाले होते हैं वो हाथ में आ जाते हैं। लेकिन पहले क्या था कि एक बार में 30-40 अगर मसाज करें तो 30-40 बाल हमारे हाथ में आते थे। और डैंड्रफ पहले था तो बीच में जो हिजामा हुआ था तो वो सही हो गया था, लेकिन 2 महीना ये गैप होने के बाद फिर से डैंड्रफ मेरा होना चालू हो गया था। तो अब इस वाले में क्या रिजल्ट आता है, अब इसके दूसरे वाले में देख लेंगे। 21 दिन के बाद वो मुझे फिर बुलाए हैं, अगर आप तीसरा सेक्शन करवाना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि 6 सेक्शन करवा लो, तो तीसरा जब करवाऊँगा तो फिर आपको वीडियो बना के दिखा दूँगा मैं। आज का वीडियो यहीं तक, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देना।